Congratulations! We are pleased to inform you that you have been promoted from executive to senior executive. Your salary scale has not been revised; it remains the same as previous year. कुछ ऐसा ही लेटर आजकल कंपनी आपको हर इंक्रीमेंट के टाइम पर दे रही है। कहीं आप भी तो इसके शिकार नहीं हो रहे हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि प्रमोशन तो होता है लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाते? क्या हर साल पोस्ट देने के नाम पर कंपनी आपकी सैलरी नहीं बढ़ाती? वेल, ये है आज का ट्रेंड जिसे कहते हैं ड्राई प्रमोशन। ड्राई यानी कि सूखा और प्रमोशन यानी कि वो तो आपको पता ही होगा। आपने अब तक वर्क फ्रॉम होम के ट्रेंड को सुना होगा, शेयर वर्किंग स्पेस के बारे में भी सुना होगा, लेकिन ये ड्राई प्रमोशन ट्रेंड पहली बार सुन रहे होंगे। जी हाँ, ड्राई प्रमोशन ट्रेंड। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एम्प्लॉइज का टाइटल बदलता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वर्कलोड भी बढ़ जाता है, लेकिन पद बढ़ने के साथ साथ पैसों में बढ़ोतरी नहीं होती। इसी को बोलते हैं ड्राई प्रमोशन। बहुत से ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको ये ट्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उनकी पसंद नापसंद से क्या होता है भाई? कंपनी ओनर्स ने ये एक नई प्रैक्टिस बना ली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी वजह है वर्कर्स डिमिनिशिंग बार्गेनिंग पावर। जॉब मार्केट में ग्लोबली हर कुछ महीने में कुछ ना कुछ उथल-पुथल तो देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो ये नया फिनोमेना आया है ना, वो काफी पॉपुलैरिटी बटोर रहा है, बट नॉट इन अ पॉजिटिव वे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पाया गया कि 13 ऑफ द एम्प्लॉयर्स चोज टू गिव देयर एम्प्लॉइज न्यू जॉब टाइटल्स इंस्टेड ऑफ मनी। हालांकि 2018 में घटकर 8 ही रह गया था। हाल ही में 900 कंपनीज का एक और सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि 2024 में एम्प्लॉइज की जितनी सैलरी होनी चाहिए वो उससे कहीं कम है। साल 2023 के मुकाबले आपकी पोस्ट के हिसाब से आपकी सैलरी में भारी कमी की गई है। एक्चुअली होता क्या है ना, दीज प्रमोशंस टेंड टू बिकम मोर प्रेवलेंट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी विद कंपनीज फोकसिंग ऑन कॉस्ट कटिंग मेजर्स। हाउएवर, ड्राई प्रमोशंस का ये ट्रेंड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब कंपनी के मौजूदा एम्प्लॉइज पर उन वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोपी जा रही है जिनको कंपनी ने ले ऑफ कर दिया था। ये सब एक्स्ट्रा वर्क कराया जा रहा है बिना सैलरी बढ़ाए, यानी कि कम सैलरी में ज्यादा काम लेने की कंपनी की आदत सी बन गई है। अगर कंपनी आपके ऊपर ये बोलकर एहसान जता रही है कि शुक्र मनाइए, लेड ऑफ की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपकी नौकरी सेफ है भाई, तो फौरन उस कंपनी को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये टैक्टिक्स ना आजकल कई कंपनीज अपना रही है। अपने एम्प्लॉइज को इनसिक्योर करके कंपनी एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं बढ़ाती है, बल्कि उनसे डबल काम लेने लगती है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि लोग सोशल मीडिया के जरिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी आप बीती भी शेयर कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ तक लिख दिया है कि कंपनी की नीड्स बढ़ती जा रही है without any increase in the headcounts. People also say the title is not the recognition. The salary increase is the actual recognition. The only way to make big jumps in the salary and the market value is to go somewhere that will pay you more. ये बात तो सच है कि आप नए टाइटल से हर साल बढ़ने वाला किराया तो नहीं चुका सकते भैया। अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जॉब में सिर्फ ड्राई प्रमोशन नहीं, सैलरी भी बढ़कर मिलनी चाहिए ना। अगर कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा रही है तो कम से कम अपने एम्प्लॉइज को इतनी सुविधा तो दे दे कि वो सैलरी को लेकर कंप्लेन ना करें, जैसे कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे सकते हैं, कंपनी पर्याप्त छुट्टी दे सकती है, वर्किंग आवर्स को कम कर सकती है, एम्प्लॉइज को सब्सिडाइज रेट पर सामान मिल सकता है, बच्चों के लिए डे केयर या क्रेच खुलवा सकते हैं, ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी दे सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे एम्प्लॉइज का पैसा खर्च होता है। अगर कंपनी की तरफ से इतनी सुविधा मिलेगी तो एम्प्लॉइज कम सैलरी में भी काम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना कि कंपनी काम भी ज्यादा लेगी और बदले में कुछ देगी भी नहीं। अगर सभी कंपनीज ये ट्रेंड फॉलो करती रही ना तो इनका हाल भी चाइना के जैसा हो जाएगा, जहां मास रेजिग्नेशन किया जा रहा है। जी हाँ, कंपनी की हाई फाई जॉब छोड़कर लोग छोटे मोटे काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ताकि भले ही भाई पैसे कम मिले लेकिन कम से कम परिवार के लिए सुकून मिले, थोड़ी मेंटल हेल्थ बनी रहे। कंपनी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी चलती रहे तो अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखें। ओवरवर्क बर्डन कोई भी एम्प्लॉय सिर्फ कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये ट्रेंड चलने वाला नहीं है भाई। इसलिए अपने राइट्स को पहचानिए और कंपनी की कठपुतली बनने से खुद को बचाइए। एक्स्ट्रा वर्क विदाउट एनी सैलरी इंक्रीज आपकी वर्किंग कैपेसिटी को कम करेगा, आपकी वर्किंग स्किल्स को घटाएगा, आपको हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रखेगा, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और हो सकता है कि इसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज हो जाएं। इन सब से बचने के लिए अपने आप को टाइटल के नाम पर कंपनी में ना झोंके, क्योंकि कंपनी तब तक सिर्फ आपकी है जब तक आप उसके एम्प्लॉइज हैं। वैसे भी किसी ने सच ही कहा है भैया, कंपनी किसी की नहीं होती। इसलिए खुद से और अपने काम से प्यार कीजिए, अपनी कंपनी से नहीं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।